सीआरपीएफ कैंप है, वहाँ पे 75 जवानों का टेस्ट किया गया था, उसमें कुछ सिम्टोमेटिक थे और उसमें से 75 में 38 जो है एंटीजन पॉजिटिव आए हैं और बाकी का हम लोग जो है ट्रू नॉट सैम्पलिंग ले रहे हैं और उनको आइसोलेट कर दिया गया है, वहीं बटालियन में ही कैंप में ही जो है उनको आइसोलेट कर दिया गया। तो उसमें से ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ छुट्टी से आए थे बाहर से, प्रदेश के दूसरे प्रदेश से आए थे और वो बैरक में रह रहे थे, तो संभावना यही है कि कहीं दूसरे जगह से लेकर इन्फेक्शन आए थे और चूँकि ये बड़ी तेजी से फैलता है इसलिए इसी संभावना है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।